मध्य प्रदेश के बैतूल में 7 दिवसीय शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया, जहां प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से श्रद्धालु कथा का लाभ उठा रहे हैं। कथा के पहले दिन के समापन के कुछ देर बाद तेज बारिश हो गई, जिससे पंडाल में कीचड़ मच गया। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं से ऑनलाइन कथा श्रवण करने की अपील की है। बैतूल में सोमवार की रात बेमौसम बारिश होने से शिव महापुराण कथा स्थल पर व्यवस्था बिगड़ गई और पंडाल में पानी भरने से कीचड़ मच गया। बारिश थमते ही आयोजित समिति के अरुण किलेदार सहित जिला प्रशासन का अमला श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया। आयोजन समिति के सदस्यों स्वयं सेवकों द्वारा कथा स्थल में श्रद्धालुओं को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठाकर मुख्य मार्ग तक ले जाया जा रहा था, वहां से बसों के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसी बात पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर भक्तों को ऑनलाइन शिव महापुराण कथा सुनने की अपील की है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। बैतूल नगर में ताप्ती शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, आज कथा का प्रथम दिवस रहा, जिसके अंतर्गत जलवृष्टि बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। कथा एक सुंदर ग्राउंड के अंतर्गत है और खुले मैदान में है। उस मैदान के अंतर्गत पानी थोड़ा सा भरा रहा है और पूरा जमीन जो है वो खेत की है, इसलिए वहां पर कीचड़ भी अधिक मात्रा में हो रहा है। जितने भी श्रोता भाई बहन जो कल की कथा में मतलब दूसरे दिवस की कथा में यहां आना चाह रहे हैं, उनसे निवेदन है आप लोग जिस भी मार्ग से आ रहे हैं वहां पास में कोई धर्मशाला या होटल या भवन हो तो आप वहां ठहर जाइए और कल की कथा टीवियों पर और मोबाइल पर श्रवण करें। कृपया जैसे ही जलवृष्टि बंद होती है, 2 दिन का पानी का अलर्टमेंट है इसलिए अलर्ट रहेगा, तो 2 दिन जब तक पानी थोड़ा सा कम नहीं होता आप लोग कथा स्थल पर नहीं आए। बैतूल के निवासी और बैतूल के आसपास के जितने भी श्रोता भाई बहन हैं, सभी लोग अपने अपने घर पर टीवी पर और मोबाइल पर उस कथा को श्रवण करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कल की कथा आप लोग टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से श्रवण करेंगे, जिससे आप लोग यहां आए और कोई तकलीफ आप लोगों को ना हो, इसलिए समिति का भी निवेदन है और पूरे बैतूलवासियों का निवेदन है। आप सभी से निवेदन करवद बार बार, क्योंकि भीड़ आज भी बहुत ज्यादा संख्या में लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए और अभी तक गाड़ियां लगभग ट्रैफिक जाम है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप कल की कथा में ना पहुंचकर 2 दिन पानी जब कम हो जाए, पानी जलवृष्टि कम हो जाए और जगह सूख जाए उसके बाद आप आइए। 7 दिन की कथा है, आनंद से अपने घर पर बैठकर टीवी पर और मोबाइल पर श्रवण करें। सभी को साधुवाद देता हूं। ताप्ती शिव महापुराण कथा की ओर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बता दें कि बैतूल में 12 से 18 दिसंबर तक शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से कथा श्रवण करने न सिर्फ बैतूल जिले बल्कि अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। फिलहाल सभी को शिव भक्तों को व्यवस्था दुरुस्त होने का इंतजार है, ताकि फिर शिव भक्त का लाभ उठा सके। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।